कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी आखिरी कोशिश ही आपको कामयाबी तक ले जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 अक्टूबर के करंट अफेयर पे, और देखिए आज के वीडियो में हम 10 करंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान रखिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी। और आज करंट अफेयर के PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि IL इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुशील चंद्र मिश्रा। और दूसरा था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट में जो है कितने आधार अंक की कटौती की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने रेपो रेट में 25 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट की जो है कटौती की है। और तीसरा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ। तो देखिए ये प्लेस आपका मुंबई है। और चौथा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस और ENT अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो देखिए ये देश आपका है मॉरीशस। और देखिए पांचवा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% यानी कि 6.9% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। तो देखिए जो आपका RBI इसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP की ग्रोथ रेट के अनुमान को जो है 6.9% से जो है घटाकर 6.1% कर दिया है। और देखिए जो आपका कल का करंट अफेयर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर लीजिएगा और परसों का भी वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए आपके रोहित शर्मा जी। और देखिए जो आपके रोहित शर्मा जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में 13 छक्के लगाकर किसी एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए अगर कोई नया रिकॉर्ड बनता तो पुराना टूटता भी है। देखिए इससे पहले जो आपका ये सबसे ज़्यादा जो है छक्के लगाने का रिकॉर्ड एक टेस्ट मैच में था, ये था पाकिस्तान के वसीम अकरम के नाम से। जो आपके पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं, इन्होंने जो है 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 12 छक्के लगाकर जो है एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब ये 12 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने, रोहित शर्मा ने। तो ये रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा जो है ये एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के, ठीक है। और 13 छक्के लगाकर अभी हाल ही में इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह जी, और इनसे जुड़ी न्यूज़ क्या है। देखिए अभी हाल ही में भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में प्रकाश यानी कि पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमोनी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल की खास बात क्या है, देखिए इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कोयला के स्टॉक होल्डर तक अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखना है, और यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए पहला कि जो भारत के ऊर्जा मंत्री हैं ये आपके हैं RK सिंह जी, और दूसरा जो भारत के कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री इनका नाम है प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो ये दो मंत्रियों का नाम आपको याद रखना है। और तीसरा इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में जो है संयुक्त रूप से नई दिल्ली में प्रकाश यानी कि पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमोनी नामक जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये ट्रेन नई दिल्ली से किस स्थान तक चलाई जाएगी। तो देखिए ये प्लेस आपका है लोहिया खास। और देखिए इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपकी ये ट्रेन है सरबत दा भला एक्सप्रेस, तो इसका पुराना नाम था नई दिल्ली लुधियाना इंटरसिटी एक्सप्रेस। पहले ये जो है नई दिल्ली से लुधियाना तक चलाई जाती थी, लेकिन अब इस ट्रेन में कुछ परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया है, काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी कि इसका नाम जो है बदला जाए। तो देखिए अभी हाल ही में जो है इस ट्रेन का नाम गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में जो है अभी हाल ही में इस ट्रेन का नाम परिवर्तित करके जो है सरबत दा भला एक्सप्रेस किया गया है।
और देखिए जो आपकी ये ट्रेन है, ठीक है, सरबत दा भला एक्सप्रेस, अब ये ट्रेन जो है ये अब पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी होते हुए जालंधर में लोहिया खास तक चलेगी नई दिल्ली से। तो इस ट्रेन के बारे में ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। और चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को किन दो स्थानों के बीच में चलाया जा रहा है। तो देखिए जो आपका तेजस एक्सप्रेस इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए जो आपका तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, ये लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया जा रहा है। तो आपको ये हर हालत में रखना है कि तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया जा रहा है। और देखिए इस ट्रेन का संचालन जो है ये पूरी तरह से भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC के द्वारा जो है किया जा रहा है। और ये ट्रेन जो है ये 6 घंटे 15 मिनट में जो है दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी तय करेगी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चलाई जा रही है, क्योंकि ये भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट ट्रेन है, इसीलिए जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2019 संपर्क केंद्र प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी कि 2019 कॉन्टैक्ट सेंटर टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये सम्मान दिया गया है अमेयो को। और अमेयो क्या चीज़ है, देखिए अमेयो जो है ये भारत में एक प्रमुख ओमनी चैनल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी है। तो ये डिटेल याद रखना है। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में अमेयो को 2019 संपर्क केंद्र प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी कि 2019 कॉन्टैक्ट सेंटर टेक्नोलॉजी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है हाल ही में। और छठा प्रश्न है कि रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 300 रनों की साझेदारी करने वाले किस क्रम के भारतीय सलामी जोड़ी यानी कि ओपनर बन गए हैं। तो देखिए जो आपके रोहित शर्मा है, आपको पता ही है कि ये जो है भारत के ओपनर हैं, और इनके साथ अभी हाल ही में जो है मयंक अग्रवाल ने भी ओपनिंग स्टार्ट की है। तो रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जो ओपनिंग जोड़ी यानी कि जो ये सलामी जोड़ी है, ठीक है, तो ये जो है 300 रनों की साझेदारी करने वाली जो है भारत की तीसरी जोड़ी बन गई है। देखिए इससे पहले जो पहली जोड़ी थी और दूसरी जोड़ी थी ये कौन कौन सी थी ये भी जान लीजिए। देखिए टेस्ट क्रिकेट में जो है 300 रनों से ज़्यादा की भागीदारी करने वाली जो पहली भारतीय जोड़ी थी ये थी वीनू मांकड़ और पंकज राय की, ठीक है। इन्होंने 1956 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 413 रनों की जो है साझेदारी की थी। और दूसरी जोड़ी थी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ की, इन्होंने 2006 में जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है 410 रनों की साझेदारी की थी। और जो तीसरी जोड़ी बनी है ये बनी है रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की, इन्होंने अभियाली में ये उपलब्धि जो है ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के दौरान 317 रनों की साझेदारी करके हासिल की है। तो ये पूरी डिटेल आप नोट कर लीजिए और इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए और इसको बाद में एक बार फिर से पढ़ के रिवाइज़ कर लीजिएगा। और ये सातवां प्रश्न है कि लगातार 6 पारियों में 50+ रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने गए हैं। तो देखिए लगातार 6 पारियों में 50+ रन बनाने वाले जो है 5वें बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए भारत में लगातार 6 पारियों में 50+ रन बनाने वाले जो है रोहित शर्मा 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। और रोहित शर्मा से पहले भारतीय क्रिकेटरों में जो है राहुल द्रविड़ ने जो है ये कारनामा किया था। तो सबका नाम जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि रोहित शर्मा जो है इनसे पहले राहुल द्रविड़ ने जो है लगातार 6 पारियों में 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो उनकी बराबरी कर ली है अब किसने, रोहित शर्मा जी ने। रोहित शर्मा जो है ये लगातार 6 पारियों में 50+ रन बनाने वाले भारत के जो है 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में 3 साल की अवधि के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है सुरजीत भल्ला। अभी हाल ही में सुरजीत भल्ला को भारत सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 सालों की अवधि के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और देखिए जो कि सुरजीत भल्ला हैं, इन्होंने इस पद पर डॉक्टर सुबीर गोकर्ण का स्थान लिया है। देखिए सुरजीत भल्ला की बात करें तो सुरजीत भल्ला जो है ये इससे पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गांधी जयंती को चिन्हित करने के लिए किस स्थान पर फिट इंडिया प्लाग रन का उद्घाटन किया था। तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली है और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने हाल ही में गांधी जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है फिट इंडिया प्लाग रन का उद्घाटन किया था। और दसवां प्रश्न है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। और शेख हसीना से जुड़ी खास न्यूज़ है कि ये जो है भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर जो है आई थी अभी हाल ही में दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया इकोनॉमिक समिट में शामिल होने के लिए।
और देखिए जो आपका ये इंडिया इकोनॉमिक समिट था, इसकी खास बात यह कि इस सम्मेलन में भारत सहित 40 देशों के 800 से ज़्यादा नीति निर्माता कंपनी जगत की शीर्ष हस्तियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी इसको याद रखना है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना और ये भी हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आई थी। किस लिए? दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया इकोनॉमिक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और देखिए थोड़ा सा हम बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में हम जान चुके हैं। देखिए बांग्लादेश जो है, यहाँ की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और बांग्लादेश के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया? इसका उत्तर बताइए। और तीसरा था कि हाल ही में सत्यप्रिया मोथेरो का निधन हो गया, वह किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध नेता थे? इसका उत्तर बताइए। और चौथा था कि हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर बताइए। देखिए कल के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और देखिए पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि किस राज्य में वाहन मित्र योजना शुरू की गई? इसका आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स में। तो वीडियो को भी लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया की जो है सभी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जो है जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।